नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस म्यूजिकल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कॉर्ड्स को हम किस तरह से समझें, स्केल को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, और हिंदी में जिसे हम सप्तक कहते हैं, ऑक्टेव को किस तरह से हम समझ सकते हैं, उस विषय पर हमने बात की थी। और वीडियो जो कि काफ़ी लंबा हो चुका था, तो हमने उसके लिए आज एक नया वीडियो बनाया है जो कि आप सभी आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें हम कॉर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉर्ड्स को हम किस तरह से लगाएंगे, हारमोनियम पर या फिर पियानो पर। बेसिकली कॉर्ड्स तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम दो कॉर्ड्स के प्रकार हैं, दो कॉर्ड्स के टाइप्स हैं, जैसे कि मेजर कॉर्ड्स एंड माइनर कॉर्ड्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आप सीखना चाहते हैं और एक आप नया अगर आपने सीखना स्टार्ट किया है पियानो, हारमोनियम आदि, तो जैसा कि एक नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है कॉर्ड्स को समझने के लिए, तो मैंने उसके लिए आपके लिए एक अलग तरह का वीडियो बनाया है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। मैंने कोशिश की है कि आप बहुत ही इजी वे में आप इसको समझें, और अगर आप चाहते हैं कि आप कभी इस चीज़ को लेकर आपके मन में कन्फ्यूज़न ना रहे कॉर्ड्स को लेकर, ख़ासतौर पर मेजर कॉर्ड्स एंड माइनर कॉर्ड्स को लेकर आपको कभी कन्फ्यूज़न पैदा ना हो, तो उसके लिए एक ही उपाय है, और वो यह है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो की कोई भी बात अगर आप मिस कर देंगे तो हो सकता है आपको यह चीज़ समझ में ना आए या फिर ठीक तरह से आप उसे ना समझ सकें, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं कि हमें सबसे पहले हम मेजर कॉर्ड्स को समझते हैं कि मेजर कॉर्ड्स को किस तरह से प्रयोग करना है और कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि आप जानते हैं ये स्केल है सी डी ई एफ जी ए बी सी, उसी तरह सी का सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प। ठीक है, सी डी ई एफ जी ए बी एंड अगेन सी, जो कि हमने पिछले वीडियो में जाना था। नेक्स्ट ऑक्टेव लग जाता है यहाँ से, तो हम फिर से हमें पहला वाला स्केल ही मिल जाता है। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अब हम जानते हैं कि मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स को हम किस तरह से लगाएंगे, और मेजर कॉर्ड्स की पहचान क्या है एंड माइनर कॉर्ड्स की पहचान क्या है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं मेजर कॉर्ड्स किस तरह से लगते हैं और किस तरह का वह साउंड करता है। देखिए, ये हुआ हमारा मेजर कॉर्ड, देखिए कितनी अच्छी वॉइस सुनने को मिल रही है, देखिए है ना। अगर हम एक नोट को दबाते हैं, देखिए ये सी स्केल है, सी स्केल का स्वर है, सी स्केल का नोट है, ठीक है। ये भी सी स्केल, ये ऊपर का स्वर है सी स्केल का, इसे हम सी स्केल कहेंगे हिंदी में, सफ़ेद वन की है, सफ़ेद एक कहते हैं इसे, लेकिन अभी हम कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसे सी ही मानकर चलेंगे, और सी ही कहा जाता है इसे इसकी को, ठीक है। अब सी का मेजर कॉर्ड हम बनाते हैं, तो कैसे पकड़ेंगे हम उसको, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से काउंट करते हैं, वन टू थ्री, अब हम फोर्थ की को दबाएंगे, ठीक है, एंड थर्ड नोट और निकालना हमें इसका, थर्ड नोट जो है इसका। तो पहले हमने वन टू थ्री कीज को छोड़ा और फोर्थ की को प्रेस किया वन के साथ, एंड उसके बाद वन टू कीज को छोड़ना है और थर्ड की को दबाना है। ये देखिए कितनी मीठी वॉइस आ रही है, एंड दो ऑक्टेव को हम साथ में लेते हैं, देखिएगा
इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, आहा, देखिएगा कितना कितना ब्यूटीफुल साउंड है। देखिएगा, तो हमने क्या किया है, यहां पर सी नोट है, इस सी नोट का ही हमने कॉर्ड बनाया था। किस तरह से, वन वन टू थ्री, थ्री को स्किप करना है। अब देखिए, इसको प्रेस किया हमने थ्री नोट को छोड़कर, अब यहां पर दो नोट को छोड़ना है। और देखिएगा, मैंने थ्री कीज को प्रेस किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट के बाद मैंने वन टू थ्री कीज को मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद वन और टू कीज को छोड़ा है, यहाँ पर हमने थ्री कीज को छोड़ा है, और यहाँ पर हमने ओनली टू कीज को छोड़ा है। तो यह हो चुका है हमारा सी का मेजर कॉर्ड, यानी कि सी का मेजर। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस साइड भी इसी तरह से, ये देखिएगा। यह हुआ हमारा सी मेजर। अब हमें अगर सी माइनर का यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि अभी हमने यहां पर प्रेस किया सी मेजर, अब हमें अगर सी माइनर का यूज करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इस की को, जो सेंटर वाला नोट है, इसको हम यहां से छोड़कर, सॉरी, इसको हम छोड़कर इस पर आ जाते हैं, यानी कि सेंटर वाले नोट को हम एक की पहले आ जाते हैं। अभी तक हम इसे प्रेस कर रहे थे, देखिएगा, और अब हम इसको हटाकर इस पर फिंगर रख देते हैं, तो आहा, देखिएगा कितना मीठा बोलता है। देखो, जैसे ये मेजर कॉर्ड है, एक नोट अगर हम पीछे आते हैं तो माइनर कॉर्ड हो जाता है। है ना, तो इस तरह से देखिएगा, अभी मैंने क्या किया, सी के साथ अगर थ्री एंड टू का गैप अगर हम लेते हैं तो ये मेजर कॉर्ड होता है, और अगर हम टू एंड वन टू थ्री का गैप लेते हैं तो माइनर होता है। मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर, सी मेजर, सी माइनर, सी मेजर, सी माइनर। अभी हमने एक ही नोट के ऊपर काम करते हुए हमने इस पर चर्चा की है, क्योंकि एक जो नोट है इससे हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। हम अगर ज़्यादा नोट्स के पीछे भागेंगे एकदम से तो हो सकता है हमें इसे समझने में कन्फ्यूज़न हो जाए थोड़ी सी, इसलिए हमने अभी ओनली सी को मानते हुए इसको समझा है। देखिएगा, सी मेजर, सी माइनर, सी मेजर, सी माइनर। अब इसी तरह से हम, जैसे सी शार्प है, सी शार्प का मेजर कॉर्ड देखिएगा, सी शार्प, थ्री नोट छोड़ना है, वन टू थ्री, फोर्थ प्रेस करेंगे, उसके बाद वन टू छोड़ेंगे, इसको प्रेस करेंगे, सी शार्प मेजर कॉर्ड। और अगर हम इसको सेंटर वाले को यहाँ से हटाकर इस पर आ जाते हैं तो सी शार्प माइनर कॉर्ड, सी शार्प माइनर कॉर्ड, सी शार्प मेजर कॉर्ड, सी शार्प माइनर कॉर्ड, सी शार्प मेजर कॉर्ड, सी शार्प माइनर कॉर्ड। अगर हम दो ऑक्टेव को लेकर देखते हैं तो देखिए कितनी अच्छी वॉइस आती है। सी शार्प मेजर कॉर्ड, सी शार्प मेजर कॉर्ड, सी शार्प माइनर कॉर्ड, सी शार्प माइनर, सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर, सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर। इसी तरह से हम सारे कॉर्ड्स बना सकते हैं मेजर और माइनर को लेकर। देखिएगा,
सी मेजर कॉर्ड था ये हमारा, अब देखिएगा डी मेजर। सी मेजर, डी मेजर, ठीक है, ई मेजर, एफ मेजर, ठीक है, सी डी ई एफ। इसके बाद ये आ जाता है हमारे यहां पर जी, उसके बाद हमारा ए, उसके बाद बी। देखिएगा देखिएगा सी डी ई एफ जी ए बी, बी को देखिएगा आप, बी को मैंने क्या किया, बी को प्रेस किया है, उसके बाद 1 2 3 को छोड़ा है, फोर्थ पर मैंने फिंगर को टच किया है, उसके बाद फिफ्थ को छोड़ा है, सिक्स को छोड़ा है और सेवन्थ को टच किया है। अब इसी को हम प्रेस कर देते हैं तो क्या हुआ हमारा सी डी ई एफ जी ए बी, बी मेजर, बी माइनर, बी मेजर, बी माइनर, बी मेजर, बी माइनर, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम मेजर मेजर कॉर्ड्स को प्ले करते हैं, सी, डी, डी मेजर, ई मेजर, सॉरी ये हुआ हमारा ई माइनर। हमें ई मेजर को अगर प्रेस करना है तो हमें नेक्स्ट नोट को प्रेस करना होगा, ई मेजर, ई माइनर, ई मेजर, ई माइनर, ई मेजर, एफ। देखिएगा ठीक है सी डी ई एफ जी, सेम उसी तरह से जी मेजर। अगर हम सेंटर वाली फिंगर को अगर चेंज कर देते हैं तो हमारा वो माइनर हो जाता है। देखिएगा मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर, जी मेजर, जी माइनर, जी मेजर, जी माइनर। बहुत ही इजी है, अगर आप इसे चाहें तो आप इसका लिखकर भी रख सकते हैं, और अगर आप इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप रोज़ करते रहें, ज़्यादा नहीं, 2-5 मिनट भी आपने इसमें रोज़ निकाल लेते हैं तो लगभग एक हफ्ते में आपका ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखिएगा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें पूरा पियानो कवर करना है ना तो आप देखिए इस साइड का आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको प्रेस करता हूँ। देखिए देखिएगा कितना अच्छा साउंड आता है। हमने क्या किया है, हमने किसी भी कॉर्ड को छोड़ा नहीं है बीच में, हम उसको आगे बढ़ाते हुए चलते गए तो इस तरह से साउंड आता है। देखिएगा 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 आहा देखिएगा यह है कमाल इस चीज का। देखिएगा अगर मैंने सी डी ई एफ एफ शार्प को भी अगर मेजर लिया है ना तो आप देखिएगा 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 कि आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही मीठा लगेगा। देखिएगा
आप जरूरी नहीं अगर आप इसको सेम मेजर कह रहे हैं, अगर आपने इस की को छोड़कर इसको भी अगर प्रेस कर देंगे तब भी वह सी कॉर्ड ही कहलाएगा सी मेजर, क्योंकि आपने इस सी को यहां पर प्रेस कर दिया है। ठीक है, यह है एफ शार्प मेजर कॉर्ड, सी डी ई एफ, एफ शार्प मेजर कॉर्ड। एफ शार्प माइनर कॉर्ड को दबाने के लिए आपको ये तो करना ही है, आप चाहें तो इसकी जगह अगर आप इस नोट को छोड़कर इसको भी अगर आप प्रेस करेंगे, क्योंकि है तो भाई सेम नोट, क्योंकि ये सी शार्प है, इस साइड भी सी शार्प है, तो आप इसकी जगह यह भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी दो कीज आपकी वही हैं, इसको आप फिर बदल कर सकते हैं। ये दो की दोनों जो कीज़ हैं ये आपकी सेम पोजीशन पर रहेंगी, इसकी जगह आप इसका यूज कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, कितना मीठा है। देखिएगा, अगर आप इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे, आपने आज का जो कीमती समय दिया, अभी तक आपने इस वीडियो पर 17 मिनट बिता दिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि आपका बिल्कुल भी समय इसमें वेस्टेज नहीं गया होगा, और आपको अगर लगता है कि आपका यह जो समय गया है बिल्कुल इसका आपने सदुपयोग किया है, तो नीचे कमेंट में हमें यस टाइप करके बता दीजिएगा, जिससे कि हमें आपका कीमती फीडबैक मिलता रहे। और अगले वीडियो में भी हम आपको कई सारी वीडियोस की नॉलेज आपको इस तरह से दे पाएँ, उसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ आ रही है तो कृपया हमारे अपने चैनल को, म्यूजिकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी इस तरह की कई सारी जो भी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं उन्हें में से आप किसी भी एक वीडियो को मिस ना कर पाए, हर वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। और ये तो बहुत ही छोटी सी शुरुआत की है हमने अपने चैनल पर, और आगे चलकर और कई सारी आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक की वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आपके प्रश्नों का, सवालों का उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगा, जितना मुझे आता है, थोड़ा बहुत मेरे बस में होगा तो मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा। और अभी तो ये शुरुआत है हमारे चैनल की, आगे आगे बहुत कुछ बाकी है, बस आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। आप सभी से एक बार और आशा करता हूँ कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह कोई मेरा पर्सनल चैनल नहीं है, यह आप सभी का भी चैनल है, यह संगीत का चैनल जो कि है हमारा संगीत का एक परिवार है। जितने लोग इससे जुड़ेंगे मैं समझूंगा कि यह मेरे परिवार के सदस्य हैं। इस तरह का अगर आप मेरे ऊपर प्यार बनाए रखेंगे तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी और लगन मेहनत के साथ मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल्स आगे अपने चैनल के माध्यम से लाने के प्रयास करूंगा। और कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में आते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, जो भी डाउट्स हैं जिनको मैं आगे आने वाले वीडियोस में पूरा करने की कोशिश करूंगा। और आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, जो भी आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, उन टॉपिक्स पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियोस बनाई जाएं। तो आज का जो मेजर और माइनर का जो टॉपिक था, यह आपको कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल, हमारे चैनल की नई शुरुआत, अगर आपको बिल्कुल पूरी तरह से बारीकी से एक एक चीज़ समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप सेटिस्फाई हों तो। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इस वीडियो में आपसे यहीं विदा लेते हैं, और ऐसे किसी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।